तो जनाब 1973 के साल की बात हो रही है। इस साल एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सलीम जावेद की कहानी पर एक फिल्म बनाने की ठान ली। कहानी थी एक निर्भीक और सच्चे ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर की, जिसके जहन में कहीं कौंधती रहती थी बिजलियां जब उसने अपने मां बाप का मर्डर होते हुए देखा था विलन के हाथों। प्रकाश मेहरा ने इस रोल के लिए अप्रोच किया शम्मी कपूर को। शम्मी कपूर ने कहा कि भाई इसमें कोई डांस वांस नहीं है यार, मैं क्या करूंगा इसके अंदर। वो अपनी जगह पे सही थे, कोई डांस वांस रखो तो कुछ करें। प्रकाश मेहरा ने कहा शम्मी जी ये डांस वाला कैरेक्टर ही नहीं है। यहां से मायूस होकर प्रकाश मेहरा पहुंचे देव साहब के पास। देव साहब का भी वही जवाब था, कैसे बोला गा? प्रकाश तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छा है लेकिन नो रोमांस नो डांस नो सॉन्ग, हाउ आई विल एक्ट इन दिस। ऐसा ही कुछ कहा। देव साहब ने भी रिफ्यूज कर दी, लेकिन देव साहब ने ये कहा कि हम फिर भी कंसिडर कर सकते हैं अगर तुम ये फिल्म हमारे बैनर के लिए प्रोड्यूस करो तो। प्रकाश मेहरा ने कहा देव साहब ये तो पॉसिबल नहीं है, प्रोड्यूस भी मैं करूंगा और डायरेक्ट भी मैं करूंगा। दूसरी निराशा के बाद पहुंचे प्रकाश मेहरा राजकुमार के पास। राजकुमार ने कुछ अजीब सी शर्त रख दी। जानी तुम्हारी फिल्म तो करेंगे लेकिन एक शर्त है, हमारी शूटिंग के वक्त तुम डायरेक्टर हो, अपना चेहरा हमारे सामने दिखाना मत। जानी तुम बैठोगे मेरे सामने लेकिन बुर्का पहन। इस तरह के किस्से मार्केट में हैं, मार्केट में इस तरह के किस्से हैं। हर तरफ से निराश जब हो गए, तीन जगह पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जाएगा और तीनों हीरो रिफ्यूज कर देंगे, तो आप प्रकाश मेहरा के मन की हालत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पता नहीं कैसे प्राण साहब ने इनको रेकमेंड किया एक नाम, एक न्यू कमर का। दिखने में ओके, कन्वेंशनल लुक के हिसाब से कोई ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं, लंबा चौड़ा लंबी लंबी टांगे। प्राण साहब ने कहा प्रकाश इस लड़के के अंदर, इसकी आंखों में मैंने जुनून देखा है, आग देखी है। प्रकाश मेहरा ने इस न्यू कमर को बुलाया, इसका स्क्रीन टेस्ट लिया और इसको साइन कर ली। प्रकाश मेहरा ने न्यू कमर को बुलाया, इसकी एक दो फिल्में रिलीज हो चुकी थी, देखा उसका काम, फाइट वाइट अच्छी करता है ये, और प्राण साहब ने रेकमेंड भी कर दिया था। स्क्रीन टेस्ट के बाद इसको साइन कर लिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। इस फिल्म में ओम प्रकाश जी का भी एक अच्छा रोल था। मैंने विश्वसनीय सूत्रों से सुना है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन शॉट देने के बाद ओम प्रकाश जी ने प्रकाश मेहरा को कहा, प्रकाश जरा रुकना, एसटीडी का चलना नहीं था, मुझे गेट पर जाके एक ट्रंक कॉल मिलाना है। ओम प्रकाश जी ने अब के चेन्नई तब के मद्रास ट्रंक कॉल मिलाया, जहां एवीएम स्टूडियो में दिलीप कुमार साहब शूटिंग कर रहे थे। ओम प्रकाश जी ने दिलीप कुमार को फोन पे बताया कि यूसुफ, इंडस्ट्री में तुम्हें टक्कर देने वाला कोई आ गया है। यूसुफ साहब ने सुना, कहले कौन? कहने इस लड़के का नाम है अमिताभ बच्चन, और यहीं से इंडस्ट्री का एक नया दौर शुरू हुआ, यहीं से एक नई इमेज जनता के सामने आई। ध्यान रहे उससे पहले इमेज थी लवर बॉयज की, रोमांटिक हीरोज की, लवर बॉय की, नेक्स्ट डे लवर बॉय की इमेज को लेके आया था राजेश खन्ना। रोमांटिक हीरो देवानंद, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, विश्वजीत, यहां से आया एक एंग्री यंग मैन। और बात उसके बाद तो कहते हैं ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री अमिताभ बच्चन, सल्यूट अमिताभ बच्चन को, सल्यूट उनकी फनकारी और कलाकारी को। जी आप कुछ के, मुझे लग रहा है एहसान भाई आप कुछ शेर याद आ रहा है मुझे वालों। जी और जब ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई तो अमिताभ बच्चन जी ने प्रकाश मेहरा को शेर सुनाया, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। 1973 वो साल था जिस साल में दो सुपरस्टार्स की शादी हुई, दो सुपरस्टार हीरोइंस के साथ। बात करेंगे थोड़ी देर में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए
सुहाना सफर विद अनु कपूर।